हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज प्रियंका। और आज हम बात करेंगे कि जब जीवन में आप निगेटिव इमोशंस फील करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और दोस्तों, कई दिनों से मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जो कि मैं नहीं चाहती थी कि वो चीजें हो, लेकिन वो चीजें मेरे सामने खड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि आप लगता है कि आप रूल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, आप अफर्मेशन लिखते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, बट कई बार आप निगेटिव इमोशंस को फील करते हैं, कई बार आपको लगता है कि क्या करूं। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आती है तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात, जो यहाँ जो भी मैं शेयर करती हूँ दोस्तों अपने चैनल पे, वो मैं अपनी ओन एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी को शेयर करती हूँ। और जो मैंने यहाँ पर महसूस किया कि जब भी आप नेगेटिव इमोशंस को फील करें तो पहली चीज है कि उनसे भागिए मत, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनके सामने खड़े हो जाइए। वो बहुत ही फियरफुल होता है क्योंकि कई बार आपके फियर्स होते हैं, आपके डाउट्स होते हैं, आपकी निगेटिविटी होती है, आप एक ऐसा चेहरा होता है जो आप किसी के सामने नहीं देखते लेकिन वो आप देख सकते हैं। तो आप उससे भागिए मत, उसको एक्सेप्ट करिए, पूरे दिल से एक्सेप्ट करिए और फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप मेडिटेट कीजिए। मैं तो सबसे आसान जो काम होता है कि कभी अगर मैं बहुत ज्यादा निगेटिव फील करती हूँ तो मैं एक अच्छा सा मंत्र या ऐसा म्यूजिक जो मुझे हेल्प करता है पॉजिटिव फील करने में, उसे 5-10 मिनट 15 मिनट सुनती हूँ और मेडिटेट करती हूँ एंड इट डज वंडर्स इन माई लाइफ। आप भी इसे यूज कर सकते हैं या फिर आप भगवान के सामने जाकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम अगर गुस्से में हैं या परेशान हैं तो हम दूसरे इंसान से अपने मन की बात शेयर करते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, इंसान की एक लिमिटेशन होती है और कई बार ऐसी बातें आप किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसान बुरा मान सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ईश्वर से अपनी बात को शेयर करिए, उनके सामने उस बात को पूरी ईमानदारी से कन्फेस कर दीजिए। जो भी आप महसूस करते, जैसा भी आप महसूस करते हो उसको कन्फेस कर दीजिए और आप देखेंगे अ सडन चेंज इन योर वाइब्रेशन एंड यू विल फील अमेजिंग दोस्तों। सेकेंड थिंग जो मैंने महसूस की है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कई बार होता है कि आपको थकान आती है, आप रुकना चाहते हैं, आप ठहरना चाहते हैं और आप चुप रहना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि कैसे होगा, क्योंकि जीवन में नए नए चैलेंजेस आते हैं। पता है दोस्तों, रोजाना मैं जर्नल लिखती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, फिर भी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ मैं अपने आप को कमजोर महसूस करती हूँ, निगेटिव इमोशंस फील करती हूँ, तो मेरे मन में एक सवाल उठता है और मैं भगवान से पूछती हूँ कि भगवान ऐसा क्यों होता है। मतलब ऐसा क्यों, एक जिसे कहते हैं ना परफेक्शन आ जाना, कि जिसके पार आपको कुछ करने को ना बचे, आप हमेशा पॉजिटिव महसूस करें, हैप्पी महसूस करें। तो मुझे जो आंसर मिलता है वो ये मिलता है कि जीवन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन एक ऐसा सहस्र दल कमल है जो कि खिलता ही जाता है, खिलता ही जाता है। और जीवन में एक नियम और काम करता है, द लॉ ऑफ ड्यूअलिटी। तो आपको पता है कि यहाँ पे दुख भी है, यहाँ पे सुख भी है, यहाँ भी हंसना भी है, रोना भी है, तो आप उन चीजों से भाग नहीं सकते, लेकिन आप उन चीजों के पार जा सकते हैं, आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। और जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि ये मेरे ग्रोथ के लिए एक हेल्प है, मेरी चेतना इससे ग्रो कर सके। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया, हम जब दूसरों को देखते हैं ना दोस्तों तो हमें लोग बड़े खुश नजर आते हैं और हमें ऐसा लगता है, कई बार हमारे दिमाग में डाउट होता है कि हम ही सिर्फ इस दुनिया में दुखी हैं, बाकी सारी दुनिया खुश है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। वो उनका एक चेहरा है और एक दूसरा पहलू भी है जीवन का जिसे हमें समझना होगा कि ये जो निगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं ये हमारी मदद करते हैं स्ट्रांग बनने में। और हर दिन हमारे सामने नए चैलेंजेस होंगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे। जब भी मैं मेडिटेट करती हूँ, जो ब्लिस, जो खुशी मुझे महसूस होती है वो मैंने कल महसूस नहीं की थी,
लेकिन जो निगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो भी मैंने कल महसूस नहीं किए थे। तो जीवन हमेशा नया है, जो भी आप महसूस करते हैं वो नया है। बस अंतर इतना है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने लगते हैं तो आप अपने विचारों के प्रति अवेयर होने लगते हैं, अपने इमोशंस के प्रति अवेयर होने लगते हैं। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारी इशूज, ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रांग बनाती हैं, हमारी चेतना को मजबूत बनाती हैं और हमें जीवन में एक नया आयाम हासिल करने में हमारी मदद करती हैं। और हर दिन जीवन एक ऐसा पर्वत है जिस पर हर दिन नए शिखर होते हैं और हर दिन हमें नई ऊंचाइयों पर चढ़ना होता है। उसमें हमारे सामने चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन अपने आप को कभी भी आप अकेला मत समझिए। सारा अस्तित्व हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारी रिश्ते हमारे साथ हैं। और जब ऐसी स्थिति आए ना, तो अपनी ब्लेसिंग्स को गिनिए, अपने भगवान से ताकत मांगिए और रियली में आप देखेंगे कि किस तरह से चुटकियों में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, रिपीटेशन। आप हार ना मानिए, उसके बाद आप चलते ही जाइए, चलते ही जाइए। थकान आती है, आप थक कर बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, लेकिन हार मत मानिए। आप अफर्मेशन सीखिए, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। आप अगर एक ही किताब को अलग अलग दिन पढ़ेंगे तो आपको उससे अलग अलग अर्थ नजर आएंगे, क्योंकि आपकी चेतना इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि आपकी चेतना ग्रो कर रही है। तो जब आपकी चेतना ग्रो करती है तो क्या होता है कि आपको सामने नए एक्सपीरियंसेस आते हैं। और जब आप उसी किताब को पढ़ते हैं तो आपको सेम उसी किताब की उसी सेम लाइन से आपको नए अर्थ मिलते हैं। इसीलिए तो हम अपने घर में गीता का पाठ रोज करते हैं, रामायण का पाठ रोज करते हैं, क्योंकि हमारी चेतना का विकास होता है और उससे हम नए अर्थ लेते हैं। तो रोजाना अपनी कॉपी लिखिए और रोजाना मोटिवेशनल वीडियोस सुनिए, रोजाना विजुअलाइजेशन कीजिए, ऐसे वीडियोस देखिए जो आपको मुस्कुराने में मजबूर कर दे, और ईश्वर से जुड़िए, मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि आज हमें ताकत की बहुत जरूरत है और वो ताकत हमें ईश्वर से मिलती है, वो गाइडेंस हमें ईश्वर से मिलता है। तो दोस्तों ये चीजें जरूर कीजिए और ये आपकी रियली लाइफ में मदद करती है। यहाँ जो भी मैं बात करती हूँ ना, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस है वो आपकी हेल्प कर सके और हम सब एक दूसरे की हेल्प कर सके एक खुशनुमा जीवन को जीने में। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।